राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस कर्नाटक और गोवा में कमजोर हो गई, तो कांग्रेस के उन नेताओं के मुंह भी खुलने लगे हैं जो अब तक कुछ नहीं बोलने के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी उन्हीं नेताओं में से हैं जो कम बोलते हैं और मीठा बोलते हैं। लेकिन सचिन पायलट से जारी सत्ता की लड़ाई, लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त और फिर राहुल गांधी की तरफ से की गई तीखी आलोचना के बाद अशोक गहलोत भी बोलने लगे हैं। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने साफ कहा कि मेरे अलावा राजस्थान में कोई भी सीएम बन ही नहीं सकता था। जाहिर है कि उनका इशारा सचिन पायलट की ओर था जो आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की वजह से चिढ़े बैठे हैं। राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का सीएम कोई बन सकता था तो वो अशोक गहलोत ही था। अशोक गहलोत के मुंह से ये सब सुनना किसी को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐसा कहना उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन सियासत में वक्त कब किस मोड़ पे ले आकर पहुंचा दे इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। अशोक गहलोत के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस में राहुल के करीबियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी के साथ कई युवा नेताओं की एक टीम थी जो अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने ऐसा कहकर एक तरह से सचिन पायलट को भी ये महसूस कराने की कोशिश की है कि अब उनके अच्छे दिन बीत गए। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस तेलंगाना बचाने निकलती है तो कर्नाटक हो जाता है, और जब कर्नाटक बचाने की कोशिश करती है तो गोवा में सूपड़ा साफ हो जाता है। कर्नाटक का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा अभी खत्म भी न हुआ था कि गोवा के 10 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। दिलचस्प ये है कि इनमें पूर्व नेता विपक्ष भी शामिल हैं। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 15 विधायक थे जिनमें से 10 बीजेपी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस के पास गोवा में महज 5 विधायक बचे हैं। गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर माइकल लोबो कहते हैं कि सभी विधायकों को संविधान की अनुसूची 10 के तहत विलय कराया गया है। चंद्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों का कहना है कि वे सीएम सावंत के अच्छे कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस की आलोचना करते हुए इन विधायकों का कहना है कि हम सबसे बड़ी पार्टी थे लेकिन सरकार नहीं बना सके। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक दिल्ली रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोंडाकर गोवा के सीएम सावंत पर आरोप लगा रहे हैं कि सारा कुछ उनका ही किया धरा है। गोवा में अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है। जाहिर है बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में से कई को मंत्री पद दिया जाना है। कांग्रेस भले ही इन सब के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए लेकिन कमी उसकी ही है जो अपना घर ना संभाल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने किसानों के सवाल पर फिर से सरकार की घेरेबंदी शुरू कर दी है। अमेठी से लौटकर आने के दूसरे ही दिन लोकसभा में उन्होंने वायनाड के किसानों का दर्द बयां किया और कहा कि वहां 8,000 किसानों को बैंक का कर्ज नहीं चुका पाने के चलते नोटिस भेजा गया है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि पिछले 5 साल में किसानों को बहुत कम पैसा दिया गया है और अमीर कारोबारियों को ज्यादा। ये सरकार का दोहरा रवैया क्यों है? मतलब राहुल गांधी संसद में वही सब दोहरा रहे थे जो लोकसभा चुनाव के दौरान कहते रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किसानों की हालत पिछले 4-5 सालों में खराब नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए वही दोषी है जो लंबे समय तक शासन करते रहे। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। किसानों को 6,000 देने का फैसला भी हमारी सरकार ने किया है। राजनाथ सिंह और राहुल गांधी की बातों से साफ है कि राहुल अपने उसी पुरानी एजेंडे पर कायम है और सरकार का जवाब भी वही पुराना है। सरकार किसानों की खस्ता हालत के लिए कांग्रेस पर निशाना साधती है और कांग्रेस मोदी सरकार पर। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से कब संन्यास लेंगे इसके बारे में उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन संन्यास लेने के बाद वो बीजेपी के नेता बनेंगे। हालांकि ये बात धोनी ने नहीं कही है, बल्कि बीजेपी के नेता इस बात का दावा करते फिर रहे हैं कि हर तरह की गेंदों को लपकने वाले माही बीजेपी के लिए सियासी कीपिंग करेंगे और फिर विपक्षी गेंदों पर दनादन शॉट लगाएंगे। बिहार बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता संजय पासवान का एक कहना है कि धोनी बीजेपी के सदस्य बनने वाले। असल में जनसंपर्क के दौरान बीजेपी नेता धोनी से मिल चुके हैं।
बीजेपी की कोशिश समाज के रोल मॉडल्स को पार्टी से जोड़ने की है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो या फिर खिलाड़ी। चुनाव के पहले पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी से जुड़ चुके हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू भी वाया बीजेपी कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। माना जा रहा है कि जब धोनी और अमित शाह की मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच बीजेपी में शामिल होने को लेकर बात भी हुई थी। अब धोनी का करियर ज्यादा लंबा बचा नहीं है, संभव है कि धोनी राजनीति में अपना करियर बीजेपी के साथ शुरू करें। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस का संकट काल लंबा होता जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस अब तक अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के पूर्व महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के बड़े और बुजुर्ग नेताओं से पूछा है कि एक दो नहीं 7 हफ्ते हो गए हैं, अब तो नया अध्यक्ष चुनो। उन्होंने एक तरह से पार्टी के बड़े पदों पर जमे हुए पुराने नेताओं को फटकारते हुए कहा कि ये वक्त कांग्रेस के अंदर व्यक्तिगत एजेंडा चलाने का नहीं, नया अध्यक्ष चुनने का है। असल में कांग्रेस पर अहमद पटेल की अगुवाई वाले बुजुर्ग नेताओं की टीम हावी है, जो अध्यक्ष पद के लिए अपने अपनों की लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के युवा नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। अब जब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू की है तो ये बात खुलकर आई है कि कुछ लोग नए अध्यक्ष के चुनाव को लंबा खींचने के मूड में हैं। इसलिए सिंधिया को कहना पड़ा कि वक्त सामूहिक निर्णय का है। यूपी में चुनावी हार की जिम्मेदारी लेकर महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले सिंधिया के समर्थक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग कर चुके हैं। भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में इस तरह के पोस्टर भी लगाए गए जिसमें सिंधिया को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी। कमलनाथ सरकार के 4 मंत्री भी सिंधिया के समर्थन में सामने आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की कमान किसी युवा को देना चाहते हैं, इस लिहाज से सिंधिया सबसे योग्य नेता के तौर पर उभरे हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने का मादा बहुत कम लोगों में होता है। पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखा, योजना बनाई और उस दिशा में आगे बढ़े। अब कांग्रेस भी इस बात को कबूल करने लगी है कि मोदी का ये सपना पूरा होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि अगले 5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। हालांकि चिदम्बरम के कहने का अंदाज विपक्षी था। उन्होंने बहुत हल्के में ये कहा कि हर 6-7 साल में अर्थव्यवस्था डबल हो जाती है, ये बहुत साधारण है। इस हिसाब से 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का होना कोई चंद्रयान लॉन्च करने जैसा मामला नहीं है। चिदम्बरम राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान ये बातें कह रहे थे। चिदम्बरम के मुताबिक अर्थव्यवस्था अपने आप डबल हो जाएगी, इसके लिए किसी वित्त मंत्री की जरूरत नहीं है। चिदम्बरम ने आखिरकार माना कि अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, ये मोदी सरकार के लिए बड़ी बात है। हालांकि चिदम्बरम को कुछ विपक्षी होने की भूमिका भी निभानी थी, तो उन्होंने उसी अंदाज में बातें कही। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।